दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन यहाँ पे ऑन है और दोस्तों इसके अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है कि मैं इसका टच यहाँ पे ऐसे कुछ भी करता हूँ तो वर्क नहीं करता है और फिर ये दोस्तों बोलता है, यानी कि मेरा यहाँ पे कुछ भी टच करूँगा तो बोलेगा, बट दोस्तों कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है, ना तो होम बटन, बैक बटन, ना ही दोस्तों मेनू बटन ऑन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों अगर आपके फोन के साथ ऐसा होता है तो दोस्तों आप क्या करते हो कि आप सर्विस सेंटर या फिर रिपेयरिंग सेंटर लेके जाते हो और दोस्तों कुछ फालतू के पैसे देके चले जाते हो। अब दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगा जिससे कि दोस्तों फ्री में आप इसका सॉल्यूशन पाओगे घर बैठे। हाँ, तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर ये सेटिंग ऑन हो जाता है तो दोस्तों इसे टॉक बैक सेटिंग बोलते हैं, इसे ऑफ करना पड़ता है। ये आपके फोन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक सेटिंग ऑन हो जाता है जिसे आपको बंद करना होता है, बट दोस्तों यहाँ पे फिंगर काम नहीं करता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं आपको तीन सेटिंग बताऊंगा, आपको तीन सेटिंग की मदद से आपको ये ढूंढना है। तो सबसे पहला दोस्तों आपको यहाँ पे डबल फिंगर ऐसे टच करना है। डबल फिंगर टच करते ही दोस्तों ये आपका स्क्रीन वर्क करने लगेगा। अब दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आना है ऐसे डबल फिंगर की मदद से, देख सकते हो एक साथ डबल फिंगर टच करने हैं। यहाँ पे आपको सेटिंग ढूंढने हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को सेटिंग मिल चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं डबल फिंगर ऐसे सेटिंग पे टच करूंगा, यहाँ पे डबल फिंगर टच कर रहा हूँ और ये दोस्तों ओपन हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, आपको नीचे आना है और दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर, दोस्तों ये हर एक मोबाइल फोन के अंदर ये सेटिंग मैं बता रहा हूँ, हर एक मोबाइल फोन के अंदर ये सेटिंग होगा। या तो आपके मोबाइल फोन के अंदर स्मार्ट असिस्टेंट होगा, या तो फिर दोस्तों इस नाम से होगा, या तो फिर दोस्तों आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे दूसरे नाम से भी हो सकता है, या तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग के सर्च बार में जाना है और आपको यहाँ पे एसेसिबिलिटी लिख के सर्च कर देना है। अब आपको यहाँ पे एसेसिबिलिटी वाला सेटिंग ऑन करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे ये फीचर्स नहीं मिलता है टॉक बैक, तो अब आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से बैक करना है। यहाँ पे फिर से बैक कर दोगे यहाँ पे दोनों फिंगर की मदद से, और फिर से आप यहाँ पे दोनों फिंगर की मदद से बैक कर दोगे, सर्च बार में आओगे और दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है टी ए एल के, इस तरह से लिखना है बी ए सी के, ऐसे टॉक बैक लिखना है। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि इसे सर्च कर देना है, ये सेटिंग इस तरह से ओपन हो जाता है। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यही सब हमारी मेहनत का फल होता है, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। सो दोस्तों प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। अब आपको यहाँ पे दोस्तों टॉक बैक का सेटिंग मिल गया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे हर एक जगह डबल फिंगर ही यूज करने हैं आपको। आप दोस्तों देख सकते हो कि टॉक बैक के नीचे यूज सर्विस लिखा है, बस दोस्तों फालतू का कोई भी ऑप्शन आप सेटिंग नहीं करना है। इस दोनों फिंगर की मदद से इस सेटिंग को ऐसे दोस्तों यहाँ पे दूसरा सेटिंग ओपन हो गया। यहाँ पे मैं दोनों फिंगर से बैक आता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो सेटिंग है इसे दोनों फिंगर की मदद से ऐसे स्टॉप कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे इस सेटिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप पे लिखा है, इस तरह से मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों ये मेरा जो सेटिंग है ये बंद हो चुका है, अब मेरा सिंगल फिंगर से ये वर्क कर रहा है, पहले की तरह ये मेरा फोन नॉर्मल हो चुका है।